हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंजू नील्स किचन। आज मैं लेकर आई हूँ होली स्पेशल पुआ रेसिपी। ये पुआ यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, ख़ास करके इसे होली के दिन ज़रूर बनाया जाता है। खाने में जितना टेस्टी लगता है, इसे बनाने में उतना ही आसान है। फ्रेंड, इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस पुआ का रेसिपी बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए पुआ रेसिपी को शुरू करें। यहाँ हमने 2 कटोरी मैदा लिए हैं। कटोरी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा कटोरी है। इसी कटोरी से हम 1 कटोरी सूजी लेंगे। 1 कटोरी से थोड़ी सी कम होगी सूजी, और जितना सूजी लिए हैं उतना ही हम चीनी लेंगे, 1 कटोरी से थोड़ी सी कम। इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, अच्छा टेस्ट आता है सौंफ से। और ये हम 4 इलायची कूट लिए थे, उसका दाना निकाल लिए थे छिलके से, उसे भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुआ का। उसके बाद हम इसे मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसे फेंटेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर फेंटेंगे। एक बार ज़्यादा पानी डालकर फेंटने से लम्स पड़ जाती है। अभी रुकी, देखिए इसे हम अच्छे से फेंट लिए हैं। इसमें थोड़ी सी नारियल और छुहारा डालेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए थे। इससे पुआ और टेस्टी बनता है। इसे मिक्स कर लेंगे और ढक कर 2 घंटे के लिए रख दें, ताकि इसमें जो सूजी डाला है वो अच्छे से फूल जाए। 2 घंटे बाद हम इसे चेक कर लेंगे। सूजी फूल कर ज़्यादा गाढ़ा हो गई है। इसमें हम थोड़ी सी पानी मिलाकर 2-3 मिनट और फेंटेंगे। इसे ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। अगर मोटा हो जाए तो थोड़ी सी पानी मिलाकर फेंट ले, अगर पतला हो जाए तो थोड़ी सी मैदा मिलाकर फेंट ले। देखिए इसमें बबल्स आने लगा है। अब पुआ के लिए परफेक्ट घोल बनकर तैयार है। इसे बनाकर दिखाते हैं। देखिए इसी तरह से घोल तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। देखिए हमने कढ़ाई में रिफाइन ऑयल लिए हैं, ऑयल को गर्म कर लिए हैं। इसमें चम्मच के सहारे मैदे का घोल डालेंगे और इसे पकने देंगे। जब एक साइड से पक जाए तो दूसरे तरफ पलट देंगे। आँच को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे कचौरी का जैसा पुआ फूल रहा है। पुआ अच्छे से पक गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पुए को बना लेंगे। देखिए सारे पुए बनकर तैयार हैं, अब इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं।